राजू मामा आवे छे चलो राजू मामा आवे तो पेली से गाड़ी पाए छे जो बात हेलो कैसे हो क्या बोल रहे हो अच्छा अच्छा एक मेरी बात सुनो इधर 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 मेरी बात सुनो आप क्या नाम है प्रभु आपका हाँ क्या नाम है पंकज भाई दिलीप भाई ओके इधर इधर आओ चाय पानी पीते हम साथ में इधर आ जाओ इधर आओ इधर इधर चाय पिलाता हूँ अच्छा इधर इधर बैठो आप इधर आओ मेरी बात तो सुनो यहीं आओ 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 પકડો ને બેજો રાજુ મામા આવે છે ચલો ગલ્લા ઉપર આવ્યા ચાલ ચાય પીતે ચાય પીતે હા ઇધર ઉધર ચાય હા બસ બસ દેખો આરામ છે આ રે આરામ છે મૂકી દો મૂકી દો હાથ મૂકી દો બસ રાજુ મામા આવ્યો ચપ્પલ બાર માં આવતી જવું ને રામજી મંદિર પાસે પાલનપુર જગતનગર ભાઈ કો આપ જાણતો યા ફિર કાફી ના એટલે હું ઘણા ટાઈમ થી અહીંયા જોઉં છું 10-15 દિવસ થી આ રોડ પર ફરતા હોય છે આપકે ઘર વાલે સબ કહાં પે આંબેડકર નગર માં રહે ના વિઠ્ઠલ નગર માં રહેતે આંબેડકર નગર મંગલી આટ્યા ચલો વિઠ્ઠલ નગર હે નજીક ચલો વિઠ્ઠલ નગર જાતે ચલો આંબેડકર નગર મંગલી આટ્યા ઘરે લઈ જાય ને મંગલી ચલો ચલો ઘરે લઈ જાય છે બેઠ જાઓ અંદર બેઠ જાઓ જે અંદર આપે અંદર તને હું ખાવું જોઈએ ખાવાનું આપે ચાલ તને હું ખાવું છું તું કે સોડા પીવાનો ને સાથે તો અંદર લઈ જાવ તને સોડા મંગાવ ચાલ ચાલ બેસી જાવ અંદર લઈ જાવ સોડા મંગાવ કઈ મંગાવ થમ્સઅપ કઈ મંગાવ નહીં નારંગી તો લઈ નારંગી તો બેસો કરે બન નારંગી કહી દઉં ચાલ હું લેતા આવું છું બેસી જાવ કાકા કેલે ચડાય લે કાકા બેસી જાવ અંદર લઈ ચડાય બોલે મારી વાત છોડ કાકા બી આવે છે જો કાકા પાસે બેસી જાવ મી ને એક એક કાકા આથે આવે છે ચાલ ભાઈ ચાલ કાકા કે કાકા બી આથે આવે છે જો મી જવાનું છે કાકા એક ટકા ટકા મળી એક
उनके परिवार में कोई नहीं है, कितने टाइम से यहाँ पे घूम रहे थे। मेरी मम्मी मोस्ट ऑफ आपके वीडियो देखती है, तो मम्मी ने बोला कि एक बार इनका कॉन्टेक्ट कीजिए। चलो थैंक यू सो मच सर, अच्छा घर मिल जाए। थैंक यू सर। पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? जगत नगर चार रास्ता है ना, वहाँ से आप लेट एंड मारेंगे ना, दूसरा तीसरा ही कोई हो तो दिखा दीजिए ना पुलिस स्टेशन। चले दोस्तों, अभी हम सूरत जगत नाका में हैं और यहाँ पे काफी पब्लिक भी इकट्ठा हो चुके हैं। काफी टाइम से भाई अपने हालात के साथ जी रहे, टॉयलेट पैसा बाथरूम भी पेंट में ही है, पर चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, उनकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो देखिए आप। थैंक यू। ऑक्सीजन को बाहर से लेना पड़ रहा है क्योंकि अभी गाड़ी में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भरा हुआ है। काफ़ी दिनों से टॉयलेट पेंट में होने के कारण बहुत ही दुर्गंध आ रही है और बहुत ही मुश्किल हो रहा है गाड़ी चलाने में भी, बट चले कोई बात नहीं, पूरा एपिसोड देखिए आप। थोड़ा सा सहन शक्ति तो है हमारे अंदर, सहन कर लेते और उनके भाई के जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। हिंदुस्तान से जितने भी लोग देख रहे हैं भाई को जो पहचानते हैं, तो प्लीज़ आप अंत तक देखना और अंत तक हम बताएंगे भाई की ओरिजिनल पहचान क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाल बाल नहीं काटे। तो कोई बात नहीं, देखते आगे क्या होता है, आपको भी दिखाते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रभु सेवा आश्रम, और क्या बात है, पवित्र कर दी आपने तो हमारी गाड़ी है। ये क्या कर दिया है? उल्टी हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं दोस्तों, आप देखिए अभी हमारी गाड़ी पवित्र हो चुकी है उल्टी से और टॉयलेट से भरपूर, बट चले कोई बात नहीं, वो तो पानी से साफ सुफ हो जाएगा, बट काफ़ी दिनों का टॉयलेट पेंट में भरा हुआ है और बहुत ही बुरी हालत के साथ अभी जी रहा है। देखते आगे, आइए इधर आइए, इधर आ जाइए, इधर इधर चलो, इधर 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 चलो। खाना खाने के, भूख लगी है ना थोड़ी, चलो आपको खाना खिलाते चलो। चलो जो प्लागु ले, हेलो हो रही तो अपना हेलो खाटला। हां चलो, हाथ पकड़ो ना, बिल ले लो ना, अकेले से चलो। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रभु सेवा आश्रम में, और यहाँ पे संगीता बहन और ललित बहन बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आप नज़दीक आइए, हमारे भगवान के मैं हालत बताना चाहता हूँ। आप देखिए, काफ़ी दिनों से बाल नहीं काटे और काफ़ी दिनों से न नहाने की वजह से बहुत ही बुरी हालत के साथ अभी जी रहे। आप नज़दीक उनके कपड़े देखिए, ये लो पानी पी लो। ઘરે જાઓ સામાન નિકાલો, ઇસમે સામાન ફેંક દો, ઇસમે નિકાલ દો પૂરો। कहाँ जाना है? मैं बैग भी, मैं काका जल्दी रहे। बहन बीमार है आपकी? बहन बीमार है? बीमार नहीं है। तो कौन कौन है? मैं आप बाल कटवाना है। मशीन लाओ बापू, हम अभी आप ही दे सु तुमने फुटेज। अरे लग जाएगा आपको, रुको अभी अभी रुको, अभी हल्का फील करोगे आप, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी देखो कितना शरीर आपका हल्का हो जाएगा। रुको रुको, बस बस देखो हो गया। इतनी ठंडी में दोस्तों आप सोचिए कि कैसे रह पाते होंगे रोड के ऊपर, कोई भी उनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हालचाल देखने वाला नहीं है, बट चले कोई बात नहीं, आज भगवान की कृपा से आज हमें ये सेवा करने का मौका मिल रहा है और आज पहली बार ऐसे व्यक्ति से मिले। नहीं नहीं तेल देवा दे, आसो ना बोल अली क्यों सुबह। Thank you.
रुको भैया रुको, दो मिनट चाहिए। दोस्तों यहाँ सर के भाग में बहुत ही गहरी चोट लगी हुई है, आप आइए ये देखिए शॉट। यहाँ पे क्या हुआ था आपको, ये क्या लगा था ये देखिए आप, कि जिसके कारण उनकी दिमागी हालत शायद ख़राब हो सकती है। कभी भी ऐसे कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं उनको सर के भाग में कभी मत मारिए। जो शायद आपके नज़दीक में कोई ऐसा व्यक्ति घूम रहा है तो उनको प्यार दीजिए। आज भाई की कुछ हालत, ये देखिए मेरे हाथों की हालत देखिए, देखिए कितनी गंदगी भरी हुई है और पूरा टॉयलेट भी मतलब मस्तक में भी लगा हुआ है, मुंह के भाग में भी लगा हुआ है। पर चले कोई बात नहीं, अभी थोड़े टाइम के अंदर बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। अभी मुंह बंद रखो, देखो अभी देखो मूंछ कट गई, ये कट गई, कट गई, देखो कट गई आपकी मूंछ, कट गया, हो गई, देखो हो गई। तुमच्या बाबांचं नाव? माझ्या बाबांचे नाव काय? तुमच्या बाबांचं नाव? चलो अब नहा लेते हैं, समझाओ ना मराठी में। दादा घरी जायचे तुम्हाला? घरी जायचे, चला पटापट आंघोळ कर, आपला कपडा नवा घालायचे, चला चला चलो चलो चला। अरे हो गया, अरे वाह, चलिए आंघोळ करून घ्या आणि नवे कपडे घालून चले जा। हो गया, चलो कपडा निकाल दो। अब नहाने का भैया, रुको निकल दो। अरे वो निकालना पड़ेगा भैया, रुको रुको रुको। दोस्तों आप ये देखिए कितना टॉयलेट भरा हुआ है और आप देखिए कितनी गंदगी के साथ वो वहाँ पे रहते थे, पालनपुर जगह तक सूरत के अंदर। कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमारा टॉयलेट हम खुद साफ कर लेते, हमें गिन आती है कि जब ऐसे व्यक्ति के पास हम जाते हैं हम डरते हैं, दुर्गंध आती है ऐसा कुछ हम कहते हैं। बट कहीं ना कहीं ये बात हमें समझने चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसे मानसिक रूप से बीमार है तो उनके हालात को समझे और आप भी अपने आसपास लोगों की मदद कीजिए। ये टॉयलेट, ये देखो तौंद देखो आपकी, मेरे जैसे बढ़ गई है आपकी भी। कितना खाते हो आप हैं? मुंह पर करो। हाँ बस, अब देखो कितनी अच्छी तरह से हमारी बात को मान रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के प्रति प्यार से आप जब भी कोई बदलाव लाने की कोशिश करते हो प्यार से, तो हर एक व्यक्ति बदल सकता है। वहाँ रोड पे कितनी जबरदस्ती करते थे, गाड़ी पे बैठ नहीं रहे थे, बट कोई बात नहीं, ये होता है बदलाव। हो गया कंप्लीट है, अब अरोज ना लोगे? मराठी हो आप? मराठी हो ना? महाराष्ट्र में कहाँ पे रहते हो? हरिओम। महाराष्ट्र में कहाँ पे रहते हो? नंदुरबार थाना कोटला है? नंदुरबार थाना कोटला। अच्छा अच्छा, चलिए बाहर आ जाइए, इधर आ जाइए, ये जे जे कर लीजिए। हाँ हनुमान दादा जय पाय पड़ना दे ले, बस आरती कराची दादाजी। हे हनुमान दादा, सद्बुद्धि देना, हमारी जो शक्ति चली गई है वो वापस दे देना मुझे, और एक हर एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं जी सकूँ, ऐसी बुद्धि देना हमें, है ना? थोड़ा खाना खा ले। हाँ, क्या पाइचे? आता जवन करें सही ना? काका जग जाए। काका जग, काका ले संगीत लो मैं, काका ये ता है, फोन के लिए मैं काका लाता। बस ऐ तो तुम्हारा जवाले देते हो दादा? नहीं जवाले का भाई क्या है? हाँ, आपके मम्मी का नाम क्या है? हाँ, मम्मी का नाम क्या है? जय मलांडी। हाँ? निर्मला बेन मंगलिया। अच्छा अच्छा, लो भैया खा लो। ये कहाँ से महाराष्ट्र से है बेन, जरा बताइए। दादा गाँव कौन थे तुम जो? नहीं मैं याद नहीं थी, याद नहीं थी। एक लड्डू मारे मेरे हाथ से भैया, मैं बेन हूँ ना आपकी, बस। अच्छा लगा? खा लो आप, पेट अब खा लो। लो आप कैसे खा लो, ऐसा ये रोटी ले, हाँ जून गया जून गया तुम्हें जून गया। क्या बता रहे, क्या बोल रहे हैं कि मैं खाना मेरे हाथ से खा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था आपको, ये जरा मराठी में पूछो। इधर इधर कहाँ चलते दादा? इधर कौन मार लो तुम्हाला? इधर कौन मार लो? डोके इधर कौन ने मार लो? कौन ने नहीं मार लो? किसी ने नहीं मारा। अच्छा, आपके गांव का नाम क्या है? तुमचे गावाचं नाव? नंदुरबार। वहाँ पे अभी कोई रह रहे? मामा है, मामा रहते। तिथे कौन है? आई है हो आई जनाव? काय तुमचा आई जनाव? हां
કાય આઈસે નો આઈ કે નો હા આઈ કાય ની લક્ષ્મી આઈ એક હા આઈ કે લાવે ના હીરાઈ હીરાઈ હો હો હીરા હીરાબાઈ ના હોય તમ ચાઈસ અને મામા સે નો કાય મામા સે નો કાય હા મામા સે નો મામા તા નામ ચા હા જરા દિલીપ ગજે દિલીપ ભાઈ આય કાઈ ને કરે આપ તો મને ઘરી જાય છે ને તા હો જવન કરું આપણે ઘરી જાય છે જવન કરું ખાના ખાલા ખાના ખાલો અચ્છે છે એ ચાવલ ખાઓ ચાવલ બહુત બઢિયા હે દાળ ભાત ખાઈ છો ખૂબ ચાંગલે હરભરાચી ભાજી હે મસ્ત ચલે દોસ્તો કોઈ વાત ને અભી મહારાષ્ટ્ર સે જિતને ભી લોગ દેખ રહે કોણ કોણ સા ગાવ બતા હરી હરિપુર હરી આનંદ નંદુરબાર नंदुरबार से जितने भी लोग देख रहे हैं भाई को जो पहचान आप पहचान रहे हो तो आप नज़दीक से उनका चेहरा आप नोट कर सकते हो। शरीर के भागों में ऐसा कोई निशान नहीं है जो भी हम आपको बता सके, बट कोई बात नहीं, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं प्लीज़ आप वीडियो को वहां तक पहुँचाए, उनका परिवार जल्दी से जल्दी मिल जाए। बहुत ही बुरी हालात के साथ आज प्रभु सेवा आश्रम में संगीता बहन उनका पूरा परिवार के साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप जब भी सूरत कैनाल रोड पर आप आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर प्रभु जी की काफ़ी अच्छी व्यवस्था के साथ सुविधा दी जा रही है। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।